पति ने जहर पिलाकर की थी महिला की हत्या, समान पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला। बेटी के बयान से सामने आया सच। संदिग्ध परिस्थितियों में जहर सेवन से महिला की मौत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना का सच करीब डेढ़ माह बाद सामने आया। महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही था, जिसने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। साधना त्रिपाठी पति विवेक 37 वर्ष निवासी बाढ़ सागर कॉलोनी की 26 दिसंबर को जहर सेवन से मौत हो गई थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस भी इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उसकी 13 वर्षीय बच्ची और एक रिश्तेदार के बयान दर्ज किए तो पूरा मामला सामने आ गया। पति ने उसके साथ मारपीट की और निर्दयता पूर्वक उसको जहर पिलाकर मार दिया। मां को बेटी 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल लेकर आई, जहां महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी पति मोबाइल बंद करके लापता है, जिसका कोई पता नहीं चल पाया है। पति मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यहां बाढ़ सागर कॉलोनी में घर बनवा कर रहता था। आरोपी पति ने न्यायालय में पत्नी से तलाक के लिए केस लगाया था। प्रतापगढ़ न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई और न्यायालय ने इतनी जल्दी तलाक देने से इनकार करते हुए 2 साल तक पति को पत्नी के साथ ही रहने का आदेश दिया था, जिसके बाद से वह पत्नी के साथ बाढ़ सागर कॉलोनी में रहता था। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। विवेक त्रिपाठी और साधना त्रिपाठी घर में थे, बच्चे बाहर खेल रहे थे। अचानक साधना त्रिपाठी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो बड़ी बच्ची अंदर गई, देखी पापा पन्नी में पन्नी पहने हाथ में और कुछ पिला रहे हैं। और उसके बाद पापा द्वारा बोला गया मम्मी तुम्हारी मर जाएगी, कह के वहाँ से घर से निकल लिए। जब उल्टी होने लगी तो बच्ची ने फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसके बाद वो 108 करके हॉस्पिटल ले गई संजय गांधी और किसी को इन्फॉर्म नहीं की। इलाज चलता रहा, तीसरे दिन वहाँ संजय गांधी में मृत्यु हो गई। और फिर उसके बाद मर्ग जांच पीएम पंचनामा ये सब हुआ और परिजनों के रिश्तेदारों के कथन हुए, पीएम रिपोर्ट मिली, उस पर से बात निकल के आई कि पति कपूर में भी झगड़ा वाद विवाद चलता था और उसने कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में, बेसिकली प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, वहाँ पे डाइवोर्स का भी केस रजिस्टर कर रखा था और इनका आपस में विवाद चलता रहता था। और जांच पे पाया गया कि पति द्वारा जहर मारने के उद्देश्य से खिला दिया गया है और उसके बाद से वो फरार है। ये कहाँ रहने वाला था? बाढ़ सागर के पास लगा हुआ, वहाँ से कॉलोनी से वहाँ पे घर है, वहीं रहते थे। क्या नाम है? विवेक त्रिपाठी।